Zocchiophony. Are you ready? I hope everyone's happy, healthy with your family. Thank you so much who come in your person, my home brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much, part of my heart, my beautiful Jojo family. चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं. नरगिस जो आपको पता है वो एक डांसर भी हैं, उन्होंने एक स्टेज पे काम भी किया है, मूवी स्टार भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, जो भी आप व्हाटएवर जो भी आपने थिंक करना थिंक करें. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला सामने आ चुका है. कुछ लोग कहते हैं कि जी पहली शादी उन्होंने की थी, उसको छोड़ने के लिए उन्होंने दूसरी शादी पुलिस वाले के साथ की. जो पहले बॉक्सर आदमी नाम था पुलिस वाला, उसने इसको ठोका और इसने उस आदमी को इससे ठुकवाया. और ये पुलिस वाला पहले वाला जो उसका शोहर था उसके नीचे काम करता था. जैसे ही उससे उसने डिवोर्स ली तो दूसरे वाले पुलिस वाले से शादी कर ली. अब इसका दिल इससे भर गया, जिसकी वजह से पुलिस वाले को पता चल गया. और जी जारी बात है, आदमी की इज्जत होती अना होती, जिस तरह की लोग बातें कर रहे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें, जिसकी वजह से उसको ठोका गया, मारा गया. अच्छा जी, अब ये तो एक बात साइड पे हो गई. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इसने मेकअप के साथ सब कुछ किया हो, मेकअप लगा के अपना खून और ब्लड और ये आंखों में ये किया. देखिए इतना भी कोई नहीं होता. जो उसकी आंखें लाल थी, खून निकला हुआ था, उसका फेस रेड था, सब कुछ था, ये सबको पता है. इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है. इसके बाद और से वीडियो सामने आ रही, दे धड़ाधड़ आ रही. जो इसका मियाँ जिसने नरगिस को पीटा है, वो आदमी और नरगिस मिलकर गैर धंधा काम करते थे, शराब नशा. आगे सुने कि ये खुद क्या नरगिस के लिए बता रही है, अपने मुंह से बता रही हैं, क्योंकि ये उनके साथ काम करती रही हैं. और इनके हस्बैंड को पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि इन्होंने नरगिस के हस्बैंड के साथ जो है वो हम बिस्तरी नहीं किया, जो भी आप लोग समझ रहे हैं. चले सुने इनकी जबानी. राणा अकरम है उसके, मैं नीचे लेटती तो मैं ठीक थी और ना ही मेरे बंदे को पकड़ते और ना ही ये सारी चीजें होती. मेरे ऊपर इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि मैंने इनकी बहनों को चलाया नहीं. कोई भी औरत अपने आप को नंगा नहीं करती जब तक उसके ऊपर इतना जुल्म ना हो कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए. रानी अकरम ने मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार किया और इसके साथ 15 से 16 लोग थे और 5-7 को इन्होंने मेरे घर पे वकुआ वारदात किया. और 10 तारीख को मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा दिया. कभी उसे 50 लाख मांग रहे थे, कभी उसे 70 लाख. हो रही होती है उन्ही लड़कियों को ये लोग पेश करते हैं. आप जब वीडियो बना रहे थे उस राय के मुताबिक आपको तो वो बाजी बाजी करके बुला रहे थे. जी वो बाजी कहते हैं प्यारी को. मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आप मुझे बाजी कह रहे हैं, मुझे बाजी ना कहें, मुझे नफरत है इस लफ्ज से, आप गलत बात कर रहे हो. बाजी तो बहन को कहते हैं, बड़ी मोहब्बत वाला लफ्ज है. जी हम लोग बाजी प्यारी को कहते हैं. अच्छा जी, वो कहते हैं हम बाजी बहन को नहीं कहते. मैंने कहा फिर लफ्ज आप लोगों से शुरू हुआ होगा कि आप लोग बहन के साथ सो के फिर कहते हो जी बाजी. मैम आपके खामन को गिरफ्तार सामने आ रही, दे धड़ाधड़ आ रही. जो इसका मियाँ जिसने नरगिस को पीटा है, वो आदमी और नरगिस मिलकर गैर धंधा काम करते थे, शराब नशा जो है चरस और पता नहीं जितने भी आप नशों के नाम ले लें, अपनी पार्टियां प्राइवेट पार्टियां करते थे. उन सब औरतों को बुलाया जाता था. अगर जो औरत नहीं आती थी उस औरत को उठा के लाया जाता था, उसके हस्बैंडों को उठा के लाया जाता. अभी भी जो एक औरत का इंटरव्यू, वो कहती उसका हस्बैंड अभी तक जेल में बंद किया हुआ है, क्योंकि वो नरगिस के मियाँ के पास नहीं गई, उसने उसके साथ हम बिस्तरी नहीं की. उस औरत के खुद के मुंह के ये लफ्ज है, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को उठा के जेल में डाल दिया गया है. देखिए ये बहुत बड़ी बेगैरती है. अगर ये बात ऐसी है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जी ऐसा ही हो रहा है. हाँ ये यहाँ पे नहीं हो रहा, ये हर जगह हो रहा है. अब मैं आप लोगों को ये चीज दिखाती हूँ. ये अमेरिकन एक गुलुकार है, खैर ये तो गुलुकार है, लेकिन नरगिस एक नाचने वाली एक मूवी स्टार है, फिल्म स्टार है. लेकिन ये गुलुकार ये भी इससे भी ज्यादा आगे हाथ है. हालांकि इसके पास इतना दुनिया से भी ज्यादा जो अमीर आदमी ये है, काला है, गाने गाता, लेकिन इसके बीच में भी जो जो आया है उसने भी हटाता गया, मारता गया, मारता गया. आज क्या हुआ, इसके पास इतनी पावर थी कि पहले कुछ दिन पहले इसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, बड़े केसेस इसके ऊपर बनाए. इसने छोटे बच्चों के साथ भी रेप किया, बड़े बड़े मूवी स्टार जो इसके घर में जाते थे, नशा होता था, बहुत कुछ गंद बला होता था. आदमी आपने में सेक्स करते थे, उसके अलावा छोटे बच्चों के साथ सेक्स किया जाता था, सब कुछ किया जाता था, सब कुछ मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ. अगर आप टिकटॉक पर जाके इसका डीडी का नाम डालें, सब कुछ क्लियर आपके सामने आ जाएगा.
अब नरगिस के उसमें क्या हो रहा है, नरगिस ने एक जो अलग सा अपना अड्डा बनाया हुआ जहां पे औरतें जाती हैं, नशा भी होता है, नाच गाना भी होता है, उसमें सेक्स भी आ जाता है, उसमें सब चीजें आ जाती है। अब जो नरगिस के रास्ते में औरतें हैं, जो नरगिस को इनकार करती, उसका बात नहीं मानती है, गई बात है, नरगिस का मियाँ जो है वो पुलिस वाला है, तो जी वो बंदे भेज कर उनको उनके घर से उठवा लेते। और जिस तरह ये काला जो डीडी ये भी सेम करता है, जब इसकी भी कोई बात ना माने और इसकी जिसके ऊपर आंख आ जाए, हाथ रख दे, उसको भी उठाकर ये लोग ले आते हैं बड़ी पार्टी में, बड़े मतलब तरीके सलीके के साथ। बाद में क्या करता है ये डीडी नाम का आदमी, जिस तरह नरगिस करती है, कैमरे शैमरे लगा के उनकी वीडियो बनाना और उनको बाद में ब्लैकमेल करना, इसी तरह ये आदमी भी अपने घर में हर जगह, बाथरूम, किचन, जहां लेटना है, बेड है, जहां उन्होंने सारी चीजें उन्होंने बना के रखी हुई हैं, उसके अंदर ही उन्हें जगह जगह कैमरे लगेंगे, जो कुछ भी कोई करेगा उनका सारा कट्टा चट्टा बट्टा उसके अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। और बाद में बड़े बड़े आदमी जिन्होंने पढ़कर इसको अभी जेल से बाहर निकाला, बल्कि इसको क्लियर चिट मिल चुकी है कि इसने कुछ भी नहीं किया, ये होती है पावर। तो जो अब औरतें उठकर नरगिस को कह रही हैं, तो भाई मेरी बहनों प्लीज, अगर आपको पता है कि अगर नरगिस इतनी पावर वाली है, ये उसका मियाँ जिसने उसको मारा है, इसलिए मारा है कि जी वो अब चौथी शादी करने की उसमें है, और जो आदमी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जायदाद का भी बीच में लेकर आ रहे हैं, ये सब कुछ ले, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये फेक है, इनकी लड़ाई जो किसी और बात की वजह से हुई है कि वो इसको छोड़ना चाहती है, और जहां पे इसके बच्चे नरगिस के जो भाई कनाडा में रहते हैं वो भी कहते हैं कि अब आपने इससे डिवोर्स लेनी है, इसके साथ आपने नहीं रहना। तो हो सकता है कि नरगिस चाह रही हो कि जी मुझे अब इसके साथ नहीं रहना और उसको कहीं और अच्छा उसको मुस्तकबिल अपना नजर आ रहा हो। लेकिन बात कहने का यह मकसद है कि पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, हर जगह पे सेम चीजें ही हो रही हैं। तो आप अगर ये कहें जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान को आप गाली गलौज दें, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी हो रहा है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल दिखा दी, इस आदमी की तस्वीर दिखा दी कि यहाँ का सिंगर है, उसने भी सब हरकतें की हुई हैं और बहुत ऊपर तक की हुई, हाई क्लास की हुई है, और हाई क्लास के साथ इसके साथ हाई क्लास लेवल के लोग हैं इसके साथ, जो इसके घर में जाते थे और करते, और इसकी छोटी मोटी पार्टी नहीं होती थी, हजारों के मुताबिक इसकी पार्टी होती, तो घर भी सब कोई छोटा मोटा नहीं, इसका बहुत बहुत बड़ा मेंशन है, आप लोग देखेंगे तो आप हक्के बक्के हो जाएंगे। आप जाए टिकटॉक के ऊपर डीडी नाम लिखें आप, तो आप लोगों को साफ साफ पता लग जाएगा। तो चले जी, लेकिन अफसोस है कि अगर नरगिस और उसका मियाँ धंधा चलाते हैं और इस तरह के काम करते हैं, औरतों को उठाते हैं, घर में लेकर जाते हैं, उनके साथ सेक्स वगैरह करते हैं, बल्कि करवाते भी हैं, और बड़े बड़े लोगों का रابطہ भी नरगिस के साथ है, और जिस तरह स्टेज की बहुत सी औरतें सामने आ गई हैं, वीडियो टिकटॉक के ऊपर डाल रही हैं, वो बोल रही हैं कि जी ये काम करती है, ये करवाती है, और जी अगर ये जिस तरह का कपड़ा पहने और उस सेम कपड़ा कोई दूसरी औरत पहने तो उसको पहनने नहीं देती, कहती मुझसे जो मैंने पहना है जाओ ये चेंज कर कराओ। इवन के मैंने इससे पहले है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर वो चेंज भी करने जाती हैं तो सब चीजें जो है उसके अंदर होती। इससे पहले भी न्यूज में आया था जहां पे औरत रो रही थी कि हम लोग जी यहां पे चेंजिंग करते हैं लेकिन हमारी वीडियो बनाई जाती है और फिर बाद में हम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और उन वीडियो को फिर इधर उधर फैलाया जाता है। तो ये हो रहा है जी, ये हर जगह हो रहा है, हम पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि खाली पाकिस्तान में हो रहा है, ये हर जगह ये सब चीजें हो रही। किसके लिए हो रही है? डॉलर के लिए हो रही, पैसे के लिए हो रही। तो ये थी जी अब तक की नरगिस की अपडेट। इसके अलावा अल्ताफ इकबाल वो भी सामने आ चुके, उन्होंने भी अपना दिया, वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। उसके बाद अल्ताफ की जो एक्स वाइफ है वो भी सामने आ चुकी, उन्होंने कहा मैं इस पे केस करूंगी। अल्ताफ की एक्स वाइफ की जो माँ है, इनकी सास जो है, उन्होंने भी इसके ऊपर धाबा बोल दिया है। वो नरगिस को पहले डांस सिखाती थी और नरगिस ने जो है इसकी माँ से डांस सिखा हुआ है, जो अल्ताफ की जो एक्स वाइफ है उससे। तो जी यहाँ पर फिर तो सारा ही माल गोल माल गोल माल गोल माल है। और मैं आपको ये चला भी देती हूँ, ये बर्थडे है, बर्थडे बड़े मजे से इसकी मनाई जा रही, सब कुछ है। और जी खबरनाक, आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर भी अल्ताफ के साथ इसकी बीवी जो वहां पर भी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद इनको उनसे लव शव हो गया अल्ताफ इकबाल को, और इन्होंने उनसे शादी वादी कर ली। अब उनमें से उनके दो बच्चे, खैर अब तो डिवोर्स होगी, लेकिन इकबाल ने इस चीज को भी कबूल किया कि अभी भी वो अपनी बीवी से मिलता है। चले जी आते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, मीठी मीठी रोस्टिंग एंड रिव्यू के साथ। चिकन लाफिज एंड बाय गाइस। Keep tuned for more entertaining roasting. Keep watching Zakiya Queen or else I'll be back to beat you up. Zakiya, 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 we love you, Queen. No kowtow, Zakiya Queen. No kowtow, Zakiya Queen.